हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्बो कटायन के अंदर, वो टॉपिक है आपका डाइइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट। ओके, यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डाइइनॉन फिनॉल का इस्तेमाल करके उसका रीअरेंजमेंट करना है। ये बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, बहुत सिंपल सा रीअरेंजमेंट आप कार्बो कटायन के अंदर देख रहे हो। अगर आप इसका यहाँ पे छोटा सा एक बेसिक अगर आप पॉइंट देखो, जिसको हम लोग एज अ डेफिनेशन कह सकते हैं, या फिर मतलब पूरे कॉन्सेप्ट को अगर हम थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, तो इसको हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, और मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके आपको मतलब पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। तो जो डाइइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट होता है, वो एक्चुअली किस तरीके से होता है कि डाइइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट इज 4-4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सा डाइइनॉन कन्वर्टिंग इंटू स्टेबल थ्री फोर डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो हेक्साडाइनोन। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अगर आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट को अगर आप रीड करो, तो आपको बहुत क्लियर आइडिया आ जाएगा कि अगर हमारे पास कोई एक डाइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट है, उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास जो 4-4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्साडाइन है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं स्टेबल 3-4 डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल के अंदर। ओके, तो इसी को हम लोग यहाँ पे डाइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट कहते हैं। यानी डाइनॉन से हम लोग फिनॉल का किस तरीके से यहाँ पे हम प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, और उस प्रोडक्ट का रीअरेंजमेंट यानी एक स्टेबल प्रोडक्ट किस तरीके से फॉर्म किया जाता है इसका इस्तेमाल करके, वो यहाँ पे आपको बेसिकली समझाया गया है। अगर आप इसका यहाँ पे जनरल रिएक्शन अगर आप देखो, तो आपको यहाँ पे क्लियर आइडिया आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक डाइइनॉन है, ओके, ये मेरे पास एक डाइइनॉन। अभी इस डाइइनॉन के अंदर मैंने क्या किया है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो मैं यहाँ पे कोई भी एक एसिड कंसिडर कर सकता हूँ, जो क्या करेगा H प्लस को डोनेट करेगा। और आपको ये पता है कि एसिड क्या करता है, H प्लस को डोनेट करता है। जैसे ही ये H प्लस को डोनेट करेगा, यहाँ पे क्या होगा कि ये कुछ एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, जो होगा आपका 3-4 डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। तो यहाँ पे आपके पास 3-4, तो यहाँ पे आपके पास एक R ग्रुप आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास एक R ग्रुप आ जाएगा, और इस तरीके से आपके पास एक स्टेबल एक जो फिनॉल है उसका यहाँ पे आपको और जो कंपाउंड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अभी इसका जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मैकेनिज्म समझोगे तभी आपको समझेगा कि यहाँ पे किस तरीके से ये फिनॉल के अंदर यहाँ पे ये कन्वर्ट हुआ है विद द हेल्प ऑफ एसिड। तो सबसे पहला यहाँ पे जो हमारे पास स्टार्टिंग कंपाउंड है, वो है हमारे पास साइक्लो साइक्लोहेक्साडाइनोन। अभी ये साइक्लोहेक्साडाइनोन मतलब किस तरीके से कन्वर्ट होता है एक फिनॉल के अंदर, वो हमें देखना है यहाँ पे। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो हमने साइक्लोहेक्साडाइनोन यहाँ पे लिया है। सिंपली अगर आप देखोगे, तो इसका रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, एसिड के साथ, जो क्या कर रहा है, एच प्लस को यहाँ पे डोनेट कर रहा है। ओके, अभी यहाँ पे आपको पता होता है कि ये वाले कार्बन के ऊपर आपको कितने हाइड्रोजन आपको देखने के लिए मिलते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं। ये सिंपली क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। ओके, और जब ये बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करेगा, तो इस तरीके का कंपाउंड आपके पास फॉर्म होगा। ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओ। ओके, यहाँ पे ये आ गया, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक आर ग्रुप यहाँ आ जाएगा, एक आर ग्रुप यहाँ आ जाएगा, करेक्ट। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा, वो यहाँ पे भी देखने के लिए मिल सकता है। ओके, और दूसरा आपका यहाँ पे भी हो सकता है कि ये ओ नेगेटिव पे भी क्या कर सकता है, यहाँ पे अटैक कर सकता है। ओके, आई थिंक हमने यहाँ पे कुछ गलतियां की है, ये
पूरा जो मैकेनिज्म है ये मैकेनिज्म इस तरीके से नहीं आएगा। एक सेकेंड, तो अभी यहां पे हम क्या करेंगे, इसका जो पूरा मैकेनिज्म है डाइनोन फिनोन रीअरेंजमेंट का उसको हम देखेंगे। इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से आता है, जैसे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पे साइक्लोहेक्साडाइनोन है। साइक्लोहेक्साडाइनोन का हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड ओ आ गया, यहाँ पे आपके पास ये डबल बॉन्ड। अभी इसका हमने किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया है, एसिड के, तो ये एच प्लस है। ऑफकोर्स एच प्लस क्या करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफकोर्स उसको लोन पेयर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो इस तरीके से ये अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ओ एच का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा विथ पॉजिटिव चार्ज, और बाकी का जो रेस्ट कंपाउंड है वो आपको एज इट इज देखने के लिए मिलेगा। अभी यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है ऑक्सीजन के ऊपर, ये क्या करेगा, अपनी स्टेबिलिटी को मतलब बरकरार रखने के लिए, स्टेबिलिटी को मतलब बनाए रखने के लिए, वो यहां से बॉन्ड को क्या करेगा, इजिली ब्रेक करेगा। ओके, जब यहां से इजिली बॉन्ड को ये ब्रेक करता है, तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो इस तरीके से होता है। यहां पे आपके पास सिंगल बॉन्ड आ जाता है और यहां पे आपके पास मिलता है ओ एच कंपाउंड, करेक्ट। उसके बाद यहां पे आपके पास एक आर ग्रुप यहां आता है और एक आर ग्रुप यहां पे आपको देखने के लिए मिलता है। अभी यहां से क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ऑफकोर्स यहां पे आपको पॉजिटिव चार्ज देखने के लिए मिलेगा। अभी ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए कि ये जो डबल बॉन्ड है इसके साथ जाके क्या करता है, बॉन्ड फॉर्म करता है और यहां से ये ब्रेक हो जाता है। और इसके बाद यहां से जब ये बॉन्ड फॉर्म करता है, तो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप में कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज, ओके, और यहाँ पे आपके पास एक अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे आपके पास एक अल्काइल ग्रुप, करेक्ट। और अगर आप ध्यान से देखोगे किसी भी साइक्लो, अगर आप कोई भी साइक्लिक रिंग लेते हो, तो उसके कार्बन के ऊपर आपको हाइड्रोजन देखने के लिए मिलता है, करेक्ट। यहाँ पे एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, ठीक है, इसको हम एज इट इज रखते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी यहाँ पे देखो कि आपके पास क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर मुझे ये पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है, या पॉजिटिव चार्ज मुझे कार्बन को स्टेबल करना है, तो मैं क्या करूंगा, सीधे ये जो अल्काइल ग्रुप है इसके साथ ये रिएक्शन कर दूंगा यहाँ पे। और जैसे ही ये अल्काइल ग्रुप वहां पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे आपका क्या था, ओ एच ग्रुप था, तो आप इसको एज इट इज रखो। जैसे ही मैंने यहाँ पे अल्काइल ग्रुप को यहाँ पे शिफ्ट किया, वैसे ही जो मेरा नेक्स्ट फॉर्म ऑफ कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होगा, ओके, वो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ओ एच आ जाएगा, करेक्ट, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आर टू ग्रुप, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आर वन। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया, एक जो अल्काइल ग्रुप था उसको यहाँ से हमने रिमूव किया, और ये बाकी का इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज को अगर मुझे यहाँ पे स्टेबल करना है, तो मैं वापस यहाँ से क्या करूंगा, बॉन्ड को तो ब्रेक नहीं करूंगा, बार बार ये साइक्लिक रिंग क्या करते रहेगा, कॉन्जुगेशन करते रहेगा, और ये कभी भी कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो मेरे पास आप देख रहे हो कि ये वाले कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन भी पहले से क्या है, अवेलेबल है। तो ये कार्बन का मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज के साथ यहाँ पे रिएक्शन करवाऊंगा, और जब ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ पे एक स्टेबल आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यानी एक बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे आपके पास मिल जाएगा आर टू ग्रुप, और यहाँ पे आपके पास मिलेगा आर वन, और ऊपर आपको मिलेगा ओ एच ग्रुप आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से ये एक स्टेबल कंफर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये स्टेबल कंफर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं इजिली। ये क्या है, आपके पास थ्री फोर यहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत क्लियर तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किस तरीके से एक आपका साइक्लोहेक्साडाइनोन से आपका एक यहाँ पे 3,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल का यहाँ पे आपको जो एक प्रोडक्ट होता है वो किस तरीके से आपको बनते हुए यहाँ पे क्लियर तरीके से आप देख सकते हैं, और आपको पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है वो भी बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मेरे हिसाब से इसके अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। अभी इसके कुछ एग्जाम्पल अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास साइक्लोहेक्साडाइनोन है, ओके, ये साइक्लोहेक्साडाइनोन में अगर आप क्या करो, यहाँ पे आप इसका रिएक्शन करो H+ के प्रेजेंस में, तो ऑफ कोर्स
यहाँ पे अगर मैं एच की जगह सी एच थ्री ग्रुप लेता हूँ, ओके, मैंने ये एक चेंजेस किया है, और अल्काइल की ग्रुप में, अल्काइल की जगह मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सिंपली मैं अल्काइल की जगह पे कोई ग्रुप यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सी एच थ्री ले लेता हूँ, यहाँ पे एक सी एच थ्री ले लेता हूँ, यहाँ पे एक सी एच थ्री ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ हाइड्रोजन ले लेता हूँ। अभी यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अभी मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पे इसका रिएक्शन अगर एच प्लस के प्रेजेंस में किया, तो इसमें से कौन सा जो एक ये है, कौन सा कार्बन है जिसमें जो पार्ट लेगा इस पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, या फिर इसके अंदर कौन सा ऐसा मतलब कार्बोकटायन जो फॉर्म होगा जो पूरे एक रिएक्शन के अंदर पार्ट लेगा और ये स्टेबली मतलब स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन ये करके देगा। तो आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे, ओके, तो आपको यहाँ पे समझेगा कि कौन सा कंपाउंड यहाँ पे स्टेबल कॉन्फिग्रेशन फॉर्म करके देगा। अगर आप यहाँ पे ये वाले कार्बन को लेते हो, सपोज अगर आप सोचोगे जैसे हमने मैकेनिज्म में पढ़ा था, अगर आप सपोज यहाँ पे ये मान के चल सकते हो कि मैं ये वाले कार्बन को लेता हूँ जिसके ऊपर दो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर मैं सपोज यहाँ से अगर ये वाले कार्बन को जो सी एच थ्री पहला वाला है और सी एच टू दूसरा वाला है और ये सी एच थ्री तीसरा वाला है, अगर मैं पहले वाले को यहाँ से रिमूव करूँ और रिमूव करने के बाद यहाँ पे स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये दोनों ग्रुप क्या है, बल्की है, बहुत ज्यादा बल्की नहीं है, फिर भी ये दोनों ग्रुप क्या है, बल्कि है, तो वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों के बीच में आपको रिपल्शन देखने के लिए मिलेगा। अभी दूसरा कंडीशन है कि अगर आप यहाँ पे जो आपके पास सी एच टू अगर सेकेंड वाला है, अगर आप इसके साथ यहाँ पे क्या करते हो, पूरा कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन करते हो यहाँ पे, और इसको अगर आप यहाँ से क्या करते हो, सब्स्टिट्यूट करते हो एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन में, तो ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा। लेकिन हाइड्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूट होते समय यहाँ पे आपको कोई भी रिपल्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन ना ही एक बल्की ग्रुप है, ओके, और ना ही किसी तरीके का इम्पैक्ट वो सी एच थ्री पे कर सकता है। तो सिंपली क्या होगा कि आपका जो भी एच प्लस अटैक करेगा, वो एच प्लस किसके ऊपर अटैक करने वाला है, यहाँ पे आपका यहाँ पे सी एच थ्री का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो आपके पास कंपाउंड होगा वो स्टेबल कंपाउंड क्या मिलेगा, यहाँ पे आपके पास ओ एच आ गया, करेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सी एच थ्री आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक सी एच थ्री आ गया और यहाँ पे आपके पास एक सी एच थ्री इस तरीके से फॉर्म होगा, ओके, और ये आपके पास एक जो स्टेबल कॉन्फिग्रेशन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसी तरीके के आप बहुत सारे नंबर ऑफ एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, और अगर आप एक एग्जाम्पल को बहुत क्लियर तरीके से समझ गए ना, तो आपको कोई भी अदर एग्जाम्पल में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप एक बार एग्जाम्पल सॉल्व करना अगर आप सीख गए, कि अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल अगर मैंने आपको दिए हैं और उसका मैंने रिएक्शन करवाया है एच प्लस के प्रेजेंस में, और सिंपली आपको कहा है कि यहाँ पे ये डाई इनोन फिनोल रीअरेंजमेंट यहाँ पे करना है, तो सिंपली क्या होगा, आपके पास ये जो कंपाउंड है, ओके, ये कंपाउंड में क्या होगा, ओ कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट, यहाँ पे आपके पास जो एक स्टेबल कंपाउंड बनेगा वो यहाँ ना बनके किसके ऊपर बनेगा, यहाँ पे आपका थ्री और फोर के ऊपर बनेगा, ओके। तो थ्री और फोर के ऊपर आपको किस तरीके का कंपाउंड यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ये थ्री और फोर के ऊपर आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने के लिए मिलेगा। तो ये क्या हो गया, एक स्टेबल जो एक कंपाउंड होता है वो आपको इस तरीके का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये बहुत क्लियर है कि आपको अगर कोई भी एग्जाम्पल दिया जाता है डाइफिनोन और डाइइनोन आपका फिनॉल रीअरेंजमेंट का, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, वो आप सॉल्व कर सकते हो और आपको उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ओके। अभी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं जो आपको गेट के अंदर भी पूछे गए थे। जैसे अगर आपको मैं कहूं कि एक गेट के अंदर बहुत कमाल का क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इतना हार्ड नहीं था कि आपको नहीं आएगा। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, आपके पास एक कंपाउंड दिया था, ओके, ये कंपाउंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से था, ये मेरे पास एक साइक्लिक रिंग था यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड ओ दिया था, ओके, यहाँ पे आपके पास एक और रिंग इस तरीके से दिया था आपको, यहाँ पे आपके पास मिथाइल ग्रुप दिया था, करेक्ट, यहाँ पे आपके पास मिथाइल ग्रुप दिया था, और यहाँ पे क्या जो एच प्लस का यहाँ पे रिएक्शन करके दिया था एसिड का, और ये सिंपल सा आपको क्या करना था, एक मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको बताना था कि कौन सा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा, ये आपको क्या करना था, सिंपली यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। अभी आपको पता है कि अगर आप इसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करोगे, तो इसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, यहाँ पे आपके पास रिंग है, करेक्ट, ये आपके पास रिंग है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास ओ एच आ जाएगा इस तरीके से, करेक्ट,
यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ओ एच आ गया। यहाँ पे क्या होगा, ये आपका जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है एज इट इज इसी जगह पे रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास रिंग है इस रिंग के ऊपर कोई भी चेंजेस यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, और यहाँ पे एक स्टेबल आपको जो कंपाउंड है, और स्टेबल कंपाउंड क्या है आपका 3-4 जो आपका डाई फिनॉल और सब्स्टिट्यूट फिनॉल है उसका यहाँ पे आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके का आपके पास एक मेजर कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है अगर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। ओके, ये आपका क्या हो गया, एक मेजर कंपाउंड हो गया। तो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत क्लियर तरीके से मैंने यहाँ पे हर एक डिटेल को बताया है, हर एक चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता है तो आप प्लीज मुझसे पूछें, आप बिल्कुल भी डरे नहीं, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, आपको जो भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं बहुत बेझिझक, और आप चाहो तो हमें पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हो, और वहां पे जो भी आपके डाउट्स है उनको आप क्लियर करके ले सकते हो। ओके, और यहाँ पे प्लीज आपसे हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर कर दो, ताकि जितना ज्यादा हमें सपोर्ट मिलेगा उतना हम बढ़िया आपके लिए करते रहेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।